अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सहाश व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ डेट्स के लड्डू, इनको प्रोटीन लड्डू भी कहते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये लड्डू मैंने डॉक्टर शालिनी से बनाना सीखे थे। उन्होंने बताए थे वेट लॉस के लिए अगर मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसके लड्डू ज़रूर बना लें। तो आज मैं आपको ये डेट्स के लड्डू बनाना सिखा रही हूँ। ये जो है मैंने डेट्स ली हैं, ये 1 kg है, लेकिन मैं 1 kg के नहीं बनाऊँगी। इसको देखें, मैं 500 ग्राम या उससे भी कम लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले ये दिखा दूँ कि ये किस क्वालिटी के हैं। ये खजूर, ये डेट्स, ये देखें, ये बिल्कुल नरम है। अगर मैं इसको यूँ दबाऊँ तो ये आराम से इस तरह से, देखें, दब रही है, हार्ड नहीं है। तो हमें ऐसी ही खजूर लेनी है, इससे भी नरम वाली हो तो वो ले लीजिएगा, ताकि हमें इसे जो है चॉपर में नहीं डालना पड़े। हम इसको हाथ से ही आराम से मिक्स करके इसके लड्डू बना लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इनको ये देखिए अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। हाफ नहीं, मुझे जितनी चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं 250 ग्राम्स तक खजूर लूँगी। ओके, बहुत अच्छी क्वालिटी की खजूर है ये। घरों में बच जाती है, अक्सर रमज़ान में बच जाती है, हम रोज़े के लिए लेकर आते हैं, तो वो बच जाए तो आप ज़रूर ये लड्डू बना लिया करें। ये देखें, ये मैंने ली है, ये तकरीबन होगी 250 ग्राम होगी। तो इसको मैं पहले वॉश करके इसके सीड्स अलग करके आपको दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, इन पर डस्ट वगैरह लगी हुई होती है तो वो सब वॉश हो गई है। अब मैं इनके सीड्स अलग करके सिर्फ खजूर को एक इस तरह के बड़े बॉल में डाल लेंगे। तो सिंपल इसको आराम से आप सीड्स अलग करते जाएं और इसको बॉल में डालते जाएं। अच्छा, मैं इसका सारा क्रेडिट जो है मैं डॉक्टर शालिनी को ही दूंगी। मैं बहुत इनकी रेसिपी ट्राई करती हूँ, वेट लॉस मैंने काफ़ी दफ़ा इन्हीं की रेसिपी ट्राई करके किया है। और तो ऐसा नहीं है कि मैं इनकी रेसिपी कॉपी कर रही हूँ, सिर्फ मैं बार बार बनाती ही रहती हूँ ये लड्डू। तो आज सोचा कि बनाते हुए आप लोगों से शेयर कर लूँ, और क्रेडिट तो सारा उन्हीं को जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ही ये रेसिपी ट्राई करें, कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। ये लड्डू जो है मैंने जिस किसी को भी खिलाए हैं, सब ने मुझसे रेसिपी पूछी है और सब ने इसकी तारीफ़ की है। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, और हम जब वेट लॉस कर रहे होते हैं हमारा मीठा खाने को बहुत दिल करता है, तो हम चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब कुछ तो खा नहीं सकते। तो कभी कभार चाहें मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो हमें ख़ुद को इतना रोकना नहीं चाहिए। तो इस तरह के लड्डू आप बना के रखें अपने पास, आप सुबह सुबह एक खा सकते हैं, रात को कभी कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है तो ये वाला एक लड्डू खा लें तो दिल भी भर जाता है और टेस्ट भी भरपूर आता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, तो बाकी सारी भी मैं सीड से अलग कर देती हूँ खजूर, तो फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने सारी खजूरें जो हैं सीड से अलग कर ली हैं। अच्छा, बनाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए, नेल्स बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। अगर ऐसा आपको कुछ भी डाउट है तो आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने खजूरें आराम से अलग कर ली हैं। अब इसमें क्या क्या सामान जाएगा वो मैं आपको बता दूँ। इसको हम एक साथ ही मिक्स कर लेंगे, पहले खजूरें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये इलायची का पाउडर, बिल्कुल फ्रेश इलायची लिएगा, हरी इलायची जो होती है कार्डमन, उसका जो है ये हाफ चम्मच है ये, ठीक है, हाफ टी स्पून इसमें ये हम पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये वेट लॉस में जो है हमारे बहुत जो है फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये मैंने बादाम लिए हैं, अगर 500 ग्राम जो है हमने ये खजूर लिए हैं तो इसमें बादाम जो है तकरीबन 20 ग्राम होने चाहिए। तो ये मैं इसमें 3 चम्मच भर के ले लूँगी। ये मैंने बिल्कुल रफली से चॉप कर लिए हैं, ठीक है, इसमें मोटे मोटे पीस हैं तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये मैं 3 चम्मच इसमें भर के इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर, ठीक है, ये दालचीनी का पाउडर है, ये जाएगा बिल्कुल 1/4 टीस्पून, लेकिन 1/4 से जो है आप हाफ टी स्पून तक इसमें दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, ये सिनेमन पाउडर, ठीक है। ओके, अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर जाती है, डॉक्टर शालिनी ने मुझे ही बताया था
कि इसके अंदर कैंडी जाती है, जो जिंजर कैंडी होती है वो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं जिंजर पाउडर यूज़ कर रही हूँ इसमें, 1 टेबल स्पून। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर जो होती है, अदरक, उसको क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इसमें उसका पानी ज़्यादा नहीं आए, बिल्कुल फ्रेशली आप उसको क्रश करिएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका पाउडर डाल दिया है, अब इसमें जाएगा, अच्छा ये हैं बेजल सीड्स, इसको भी मैंने हल्का सा पाउडर बना लिया है, इसको पीस लिया है। जो चिया सीड्स होते हैं, तो मलंगा होता है ये, वो है, तो ये मैं 2 चम्मच इसमें भर के डालूंगी। ये देखें, ठीक है, ये चलेगा इसमें। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। ठीक है, कोको पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, 1, 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हैं फ्लैक्स सीड्स। तो जिस तरह हमने बाकी चीज़ों को पीसा है, ये मैंने पीसा नहीं ताकि पहले आपको दिखा सकूं। इसमें अगर कोई कचरा हो तो उसको पहले आप साफ़ कर लीजिएगा, और फिर इसको भी हम पीस लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको चॉपर में डाल के, ये जो मिक्सी होती है इसमें डाल के हम इसको पीस लेंगे। ये भी 1.5 चम्मच है, 1 से 1.5 चम्मच। तो ये मैंने इसको पीस लिया है, तो अब ये भी हम इसमें सारा डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, इसके अंदर ब्लैक किशमिश भी जाती है, जो बड़ी वाली किशमिश होती है ना ब्लैक कलर की, वो भी जाती है। वो मेरे पास अभी नहीं है तो वो फ़िलहाल मैं स्किप कर रही हूँ। अब इसमें जाएगा कोकोनट, ये है कोकोनट खोपरा, ड्राई खोपरा, सही है, दिख रहा है। ये भी मैं जो हूँ इसमें 4 चम्मच लूँगी भर के। ठीक है, ये हो गया 4 चम्मच, भर के नहीं हुआ मेरा, इसलिए ये थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जो है इसके अंदर डालते हैं आलमंड ऑयल, जिस तरह मैंने आलमंड डाले हैं ऐसे ही इसके अंदर जो है आलमंड ऑयल भी डाला जाता है, लेकिन मेरे पास आलमंड ऑयल नहीं है तो मैं इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। 2 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई है हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट। अब इसको हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है और इसके लड्डू बनाने हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करते जाएं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बाइंडिंग हो जाएगी। इसमें और भी कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी, कोई लिक्विड चीज़, सिर्फ ऑयल डाला है हमने, और ये खजूर इतनी नरम है कि ये सब चीज़ों को अपने अंदर बाइंड कर लेगी। कोशिश करिएगा खजूर बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। ये देखें, ये बहुत आराम से मिक्स हो रहा है। ये देखें, इसको हम बस हल्का सा यूँ करके प्रेस करेंगे तो ये सब मिक्स हो रहा है। इसके बहुत आराम से लड्डू भी बन जाएंगे। बस मेरा मिक्स करने का मकसद ये है कि हर चीज़ एक दूसरे के अंदर बिल्कुल बाइंड हो जाए, मिक्सअप हो जाए, फिर जो है हम इसके लड्डू बनाते हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छे से हो गया। इस तरह से इसको दबा दबा के करिएगा तो ये सारा आपस में मिक्स हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, छोटे छोटे लड्डू, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ये देखें इतना काफ़ी है। बस इसको आप हाथ में लेके, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं, इस तरह से सिंपली लेंगे, और ये देखें ये हमारा एक लड्डू बन गया। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ हमने पकाया वकाया नहीं है, और आराम से जो है ये 15 से 20 लड्डू जो है तैयार हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपने चक्कर में बहुत बड़े बड़े लड्डू बना लें तो इससे फिर आपका वेट कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएगा, क्योंकि खजूर के अंदर बहुत सी ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि वेट बढ़ा भी सकती हैं। लेकिन हमने बाकी चीज़ें जो इसमें डाली हैं, इसके अंदर हमने फ्लैक्स सीड्स डाले हैं, बेजल सीड्स डाले हैं, कोको पाउडर डाला है, इलायची पाउडर, और जितनी भी चीज़ें डाली हैं, अदरक का पाउडर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके वेट को कम करने में बहुत हेल्प करेगी। आपका मीठा खाने का भी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी और आपका वेट भी कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। दिन भर में अगर कोई कमज़ोरी हो रही है आपको, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो बहुत कम खा रहे हैं या अच्छा नहीं खा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, खा बहुत अच्छा रहे होते हैं, लेकिन बस ये है कि रूटीन से हट के जब हम चीज़ें खाना शुरू करते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं। तो ये खा के आपको बहुत अच्छा फील होगा कि चलो मीठा भी खाने को मिल रहा है। तो इस तरह से मैं सारे लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें, ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये देखें इस साइज के हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है, और बहुत इजीली बन गए हैं। और ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो गई है। मैंने आपको बोला था 15 से 20 इसमें लड्डू बन जाएंगे, तो ये कुछ कुछ थोड़े बड़े भी बन गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये तकरीबन ये 18 हैं, 18 से 19 ये लड्डू हैं। और इसको और क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूं। ये है कि मैंने एक बोल में इस तरह से कोकोनट ले लिया है, जो ड्राई कोकोनट हमने मिक्स किया था वो बचा था मैंने ले लिया है। अब करना ये है कि आप एक एक इस तरह से लड्डू को लेके इसके ऊपर इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे कोट कर दें इसको, तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और अगर आपको कोकोनट अच्छा लगता है तो आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, ठीक है, तो इसको ऐसे अलग रखते जाएँ इस तरह से। मैं एक दो करके आपको और दिखा देती हूँ बिल्कुल इजीली, क्योंकि खजूर का है तो आराम से जो है ये इसके ऊपर कोकोनट कोट हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, बस हल्का सा किया और ये लग गया। तो इस तरह से आप चाहें तो हाफ पे कोकोनट लगा सकते हैं और चाहें तो हाफ पे कोकोआ पाउडर जो था, कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर जो था, वो भी आप चाहें तो आराम से इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह कोको पाउडर आप एक बोल में निकाल के, छोटे से बोल में निकाल के आप उसको उससे भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मुझे कोकोनट पसंद है, चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, तो मैं चॉकलेट नहीं लगा रही हूँ, बाकी सिंपल मैंने कोकोनट लगा दिया है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल जैसे कोकोनट चॉकलेट खाते हैं इसी तरह से। और इसका सिर्फ टेस्ट ही नहीं, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें आलमंड, इलायची पाउडर और सिनेमन पाउडर, इन दोनों तीनों चीज़ों की खुशबू बहुत जो है उठ के आ रही है। तीनों चीज़ें हमने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ली थी, तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम हाफ जो है इसी तरह से रख देंगे और हाफ पे हम कोकोनट लगा देंगे, तो जब जैसा दिल करेगा वैसा खा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोटीन लड्डू वेट लॉस के लिए बेहतरीन किस्म के स्वीट्स तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। और जाते जाते ये भी बता दूं कि इनको स्टोर किस तरह से करना है, तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें या नॉर्मल बॉक्स भी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो ये कोकोनट जो बचा है वो मैं इसके अंदर इस तरह से डाल देती हूँ, तो ये साथ साथ मैं ये भी खाती रहूँगी। आपके पास नहीं बचा है तो आप ऐसे ही रख दिएगा, तो मैं इसको इस तरह से वन बाय वन इसके अंदर ऐसे सेव कर लूँगी, ठीक है। और इसको आप फ्रिज में रखिएगा तो ये ज़्यादा अरसे चलेंगे। इस तरह से जो है मैं इनको सबको एक साथ डाल के इसको बंद कर दूंगी। ये देखें, ये सब मैंने रख दिए हैं। अब इसको इस तरह से बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख दूंगी, तो ये हमारे रेडी हैं।